नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने रेनॉल्ट काइगर का रिव्यू करूंगा और बताऊंगा क्या कुछ इस गाड़ी में खास होने वाला है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल व्हीकल बॉस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तो ये रही रेनॉल्ट काइगर, आप देख सकते हैं फ्रंट लुक इसका काफ़ी बढ़िया है। रेनॉल्ट की बैचिंग यहाँ पर आती है और ग्रिल काफ़ी बढ़िया है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो 205 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। काफ़ी ऊंची ये गाड़ी देखने पर लगती है और ग्रिल देख सकते हैं आप। और चाहे हम इसकी लाइट देख लें, काफ़ी प्यारी सी लाइट इसमें दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनॉल्ट की यहाँ पर बैचिंग दी गई है जो क्रोम फिनिश में है, तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये लाइट आप देख सकते हैं इसकी जो DRL के साथ आती हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं। और ये देख सकते हैं RXZ की यहाँ पर बैचिंग की गई है क्रोम से, तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये बॉडी कलर ORVM नहीं आएंगे ब्लैक कलर के, ब्लैक यहाँ पर आपको दिखेगा। और ऊपर आपको रूफ रेल भी काफ़ी बढ़िया सी देखने को मिलेगी। और ये देख सकते हैं बॉडी कलर, डोर हैंडल दिए गए हैं, 38 लीटर का लगभग फ्यूल टैंक है। और पीछे की लाइट देख सकते हैं हम, काफ़ी बढ़िया सी लाइट है पीछे से। और पीछे वाइपर दिया गया है काइगर की, पीछे क्रोम से बैचिंग की गई है तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये नीचे लाइट भी दी गई है और ये कुछ इस तरीके का पीछे का है। और खोलते हैं इसका बूट और बूट स्पेस देखेंगे तो लगभग 450 लीटर का बूट स्पेस है, ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया है इस गाड़ी के हिसाब से। अब देखेंगे, इसको खोलेंगे और इसके अंदर देखेंगे, स्टेपनी रखने का दिया गया है सभी गाड़ियों की तरह। अब चलते हैं इसके आगे और देखेंगे क्या है। तो ये देख सकते हैं आप साइड से देखने पर इस तरीके की लगती है। ऊपर की रूफ रेल काफ़ी बढ़िया लगती है देखने पर। वो ग्लॉसी फिनिश इसमें ब्लैक कलर के आपको ORVM टर्न ऑन इंडिकेटर के साथ आने वाले हैं। तो इसके टायर साइज़ की बात कर लें तो 195, 60 और 16 इंच के टायर हैं, काफ़ी बढ़िया से अलॉय व्हील के साथ आते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा और रियर में डिस्क नहीं मिलेगा। तो ये रहा इसका इंटीरियर, स्टेयरिंग माउंटेड की के साथ मिलेगी, रेनॉल्ट की बीच में बैचिंग की गई है तो काफ़ी बढ़िया लगती है। और इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिजिटल रहेगा इसमें आपको, और ऑटोमेटिक एसी मिलेंगी, 5 ग्रेड ट्रांसमिशन के साथ आएगी और आर्मरेस्ट मिलेगा। और ये यूनिक्स है, यहाँ पे आपको हाइड स्पेस मिलेगा और पावर स्टार्ट और USB चार्जिंग पोर्ट के साथ और इकोनॉमिक स्पोर्ट और स्पोर्ट मोड में इसमें आपको मिल जाएगा। 12 लीटर का ग्लव बॉक्स मिलेगा, कूलिंग ग्लव बॉक्स है। और ऊपर भी आपको इसमें ये देख सकते हैं आप स्पेस मिलेगा ग्लव बॉक्स, जो काफ़ी बढ़िया स्पेस है। और ये देख सकते हैं आप लाइट काफ़ी डिसेंट सी देखने पर लगती है। और ये पेपर होल्डर हैं जो ठीक ठाक ही सभी गाड़ियों के तरह हैं, कांच इसमें दिया गया है। टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर सिस्टम मिल जाएगा जिसमें आपको AM/FM USB ब्लूटूथ और स्टेयरिंग माउंटेड की के साथ ये प्लेयर मिलने वाला है। ऑटोमेटिक ORVM एडजस्ट के साथ यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो लॉक अनलॉक के स्विच मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का स्विच लगा है। और ये इसी तरीके का इसका इंटीरियर आगे का रहा। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ और देखेंगे क्या क्या पीछे खास होने वाला है। तो पीछे का गेट हमने खोल लिया है और देखेंगे लेग रूम अंदर का कितना बड़ा है। तो लेग रूम ठीक ठाक ही सा लग रहा है, पीछे आपको क्रोम नहीं मिलेगा डोर हैंडल में। और ये देख सकते हैं पीछे AC वेंट्स मिलेगा। और ये नीचे चार्जिंग का सॉकेट है जो बहुत ही नीचे लगाया गया है, तो ठीक ठाक सा ये सॉकेट है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉक अनलॉक का ये लगाया गया है। और यहाँ पर पावर विंडो का स्विच है और ये आपको ऊपर नीचे ऑटोमेटिक वाले नहीं मिलेंगे। और पीछे कैबिन लाइट लगी है ठीक ठाक सी। और ये रहा इस तरफ का डोर हैंडल। और ये देख सकते हैं क्रोम है और पीछे बॉटल रखने का है। लेग स्पेस ठीक ठाक है, बढ़िया लेग स्पेस है, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। और चल रहे हैं हम इसकी टेस्ट ड्राइव पर और देखेंगे रोड पर क्या गाड़ी परफॉर्मेंस करने वाली है। तो ये देखिए हम इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं तो कंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है, ठीक ठाक ये गाड़ी चल रही है, ऊंचा महसूस हो रहा है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है 205 mm। तो चलाने में एक ऊंची वाली SUV वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो इसमें आपको इंजन में 1000 cc का 1 लीटर का इंजन है जो टर्बो इंजन के साथ भी आती है और नॉन टर्बो के साथ भी आती है। पेट्रोल में है 99 BHP ये गाड़ी पावर निकालेगी और 160 Nm का टॉर्क है। 20 किलोमीटर का इसका माइलेज है जो कंपनी वालों का कहना है। और ड्राइविंग रेंज 800 है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, BS6 है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आती है और ऑटोमेटिक के साथ भी ये गाड़ी आती है। सस्पेंशन की बात कर लें तो टोरिज्मो बीम एक्सेल इसमें आपको सस्पेंशन मिलने वाले हैं और इसमें आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। सेफ्टी नॉर्म्स की बात कर लें तो 2 एयरबैग मिल जाएंगे, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाएगा, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्टेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। इंजन इमोबिलाइजर मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगा, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी मिल जाएगा और इसमें आपको
ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट 6-way मैनुअल एडजस्टेबल मिल जाएगा। टूमेंटर क्लस्टर की बात कर लें तो इसमें आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल कंजप्शन मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एमपीटी मिल जाएगा, क्लॉक मिल जाएगी, लो फ्यूल वार्निंग मिल जाएगा, डोर एडजस्ट वार्निंग मिल जाएगी, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस के साथ, गियर शिफ्ट इंडिकेटर के साथ ये मीटर आपको आने वाला है। दोस्तों तो ये था आज का रिव्यू, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।